हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में आपको कोई जो है चैप्टर नहीं पढ़ाने वाली, कोई सिलेबस नहीं पढ़ाने वाली। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके कुछ कॉमेंट्स की। कॉमेंट्स कुछ ऐसे कि मैम हमारा जो है हिंदी का सिलेबस नहीं हुआ है, वो करवा दीजिए। मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं मिल रही हैं, उनका लिंक दे दीजिए। मैम TMA के सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएं, हमने एक तो मिल गया TMA, बाकी नहीं मिल रहे हैं, उनका हम क्या करें। मैम सॉल्व पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, नहीं मिल रहे हैं। या होम साइंस का हमारा कुछ सिलेबस छूट गया है, या फिर TMA की फाइल कैसे बनाएं, उसका फ्रंट पेज कैसे बनाएं। बहुत सारे इसी तरीके के, मतलब NIS बोर्ड से लेकर के रिलेटेड जो आपके डाउट्स होते हैं या सिलेबस से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, तो जो आपके कमेंट्स आते हैं, मैं उनको हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और आई ट्राई कि हर एक का आपको रिप्लाई भी दूँ। बट समटाइम्स गाइस क्या होता है कि आप लोग काफ़ी वीडियोस का मुझसे जो है लिंक मांगते हैं, और कभी कभी मैं देती भी हूँ और कभी कभी नहीं भी हो पाता, तो सॉरी फॉर दैट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मोटिव केवल इतना ही है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो चैनल पर अवेलेबल तो है, बट आपको पता नहीं है कि उनको कैसे सर्च करें। मान लो आपको हमारे चैनल की एक वीडियो मिल गई, वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, उससे आपकी हेल्प हो गई, और आपको कोई दूसरी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए और वो आपको नहीं मिल रही। सो गाइस, यहाँ पर आज मैं आपको अपने चैनल से लेकर रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो ये जो है मेरी वीडियो, ये भी NIS इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट में ही जाएगी, क्योंकि NIS वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी प्लेलिस्ट की देने वाली हूँ कि मटेरियल है हमारे चैनल पर काफ़ी सारा अवेलेबल, और बाकी चीज़ों पर काम होता भी रहता है। आप लोग इतना जो है सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, 20,000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो मटेरियल है काफ़ी, बट काफ़ी बच्चों को वो मतलब मिल नहीं पाता, समझ में नहीं आता कि उसको कहाँ ढूंढें। चलिए देखियो आपको क्या करना है। अगर आपको NIS बोर्ड से, अगर आप 10th NIS बोर्ड से लेकर रिलेटेड स्टूडेंट हैं, या फिर 12th NIS के जो है स्टूडेंट हैं, तो आपको सिलेबस से रिगार्डिंग वीडियोस, या फिर TMA के सॉल्यूशंस, या फिर प्रैक्टिकल वगैरह, ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से मिल सकती हैं, ये हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ना ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। तो देखिए, आपको जब आप आएंगे YouTube पर, गाइस आप लोग जब सर्च करेंगे हमारे चैनल को, तो आपको जस्ट क्या टाइप करना है, पाई स्टडी सर्कल, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पी भी बोलते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। पाई इसका नाम है, पाई स्टडी सर्कल। सो गाइस, जब पाई स्टडी सर्कल को आप सर्च करेंगे YouTube पर, तो कुछ ऐसा जो है ना फेस खुल करके आ जाएगा आपके सामने, इस चैनल का पूरा ऐसा कुछ चेहरा सा आपको दिख जाएगा। पाई स्टडी सर्कल आप देख सकते हैं, फिलहाल हमारे 21,000 प्लस कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे बढ़े। थैंक यू अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ट्रस्ट करते हैं। सो आपको देखो यहाँ पर कुछ ऐसा होम पेज हमें देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर इस वाले उस पर क्लिक करते हो, तो हमारे चैनल की सारी वीडियोस आपके लिए खुल करके आ जाएंगी। किस तरीके से देखिए, देखते हैं हम क्लिक करके। सो यहाँ वो वीडियोस आती रहती हैं। ये रही हमने जो है, मैंने अभी डाली थी सुबह मॉर्निंग में वीडियो, बिजनेस स्टडीज़ का जो है पेपर था, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस जैसे जैसे हम लोग अपलोड करते रहते हैं ना, वो एक एक करके खुल के आती रहती हैं। तो अगर मैं ऐसे करने लगता तो 500 प्लस हमारी वीडियोस हैं, तो ख़त्म ही नहीं होंगी जल्दी से, बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से। तो ये तो होगी वीडियोस की बात, कि जिस सीरियल वाइज हमारी वीडियोज़ आती हैं। अब मैं बात कर लूँ प्लेलिस्ट की, कि आपको आपके काम की वीडियोज़ कैसे मिल सकती हैं। सो गाइस, ये है हमारा प्लेलिस्ट। आप जब इस पर चेक करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी, और मोस्ट ऑफ जो हमारी प्लेलिस्ट हैं वो NIS NIS बोर्ड से लेकर रिलेटेड ही है, NIS सिलेबस से लेकर रिलेटेड ही हैं ज़्यादातर। वैसे CBSE की भी है, तो यहाँ पर मैं NIS वाले बच्चों से बात कर रही हूँ, तो मैं तो आपको NIS की ही दिखाऊंगी, है ना। सो आप लोग देख सकते हैं, पहली जैसे कि प्लेलिस्ट है, अगर किसी बच्चे को जो है सॉल्व पेपर चाहिए 12th NIS वाले बच्चे को, तो आप देख सकते हैं ये रही आठक वीडियो यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं, 12th NIS पेंटिंग का सॉल्व पेपर, है ना। अगर किसी को जो है प्रैक्टिकल चाहिए, तो यहाँ पर अभी एक ही वीडियो है, अभी कोशिश करूँगी और ज़्यादा डालूँ। अगर जो है आपको मैथ की वीडियो चाहिए, तो देखिए एक और प्लेलिस्ट है यहाँ पर, पहले दिखा दूँ मैं आपको। 12th NIS की अगर बात करूँ, तो फिजिक्स यानी पेपर कैसा आएगा, तो 12th का फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, ये यहाँ पर 13 कम से कम वीडियोज़ हैं। अगर मैथ की बात करूँ, तो मैथ का तो सिलेबस 10th वाले बच्चों का लगभग पूरा ही हो गया है, NIS वाले बच्चों का। ये आपकी मैथ की जो है वो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है मैथ की। इसके अलावा 10th NIS वाले बच्चों के सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वाली प्लेलिस्ट में हमने सबको शो किए हैं। अगर 10th NIS होम साइंस के सिलेबस की बात करूँ, तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इस प्लेलिस्ट में मैं करा रही हूँ। इसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी TMA के सोल्यूशन अगर आपको देखने हैं, 26 वीडियो कम से कम हो गई
नहीं हूँ और अभी भी प्लेलिस्ट पर काम शुरू है, काफ़ी सारे अपडेट हम करते ही रहते हैं चीज़ों को। तो देखिए ये रही आपकी जो है 12th NIS वाले बच्चों का इंग्लिश का पहला यहाँ पर शो हो रहा है हमारा TMA। खोल कर दिखाती हूँ एक एक प्लेलिस्ट आपको, मतलब इक्का दुक्का, एक एक तो नहीं सारी की सारी। तो अगर आप देखिए सर्च करते हैं यूट्यूब पर, अगर आप ऐसे भी टाइप करते हैं 12th TMA सोल्यूशन सेशन 2021 बाय पाई स्टडी सर्कल लिख देते हैं ना, तो खुलकर आ जाएंगे हमारी सारी वीडियोज़। ये रही इस तरीके से आपको एक एक वीडियो करके। सो गाइस मटेरियल काफ़ी सारा है बट आपको मतलब पता नहीं रहता, या फिर आपको कभी कभी कुछ स्टूडेंट सर्च नहीं कर पाते, कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं कर पाते। जस्ट इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है। चलिए जैसे कि अब मैंने आपको ये प्लेलिस्ट शो कर दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारी बनी हुई। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 10th NIS वाले बच्चों के TMA के सोल्यूशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 17 वीडियोस फिलहाल जो है अवेलेबल हैं। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये रहा हिंदी, अकाउंटेंसी, होम साइंस। तो अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं कि 10th TMA सोल्यूशन सेशन 2021 बाय पाई स्टडी सर्कल, खाली इतना लिखोगे तो आपको ये सारे के सारे लोग खुल करके आ जाएंगे। एक वीडियो के लिए आप परेशान क्या हो रहे हो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ इसी तरीके से। गाइस आपका जो है हिस्ट्री वालों का ये रहा सिलेबस चल रहा है। 10th वाले बच्चों की बात करूं तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट है हमारी, ये है हमारा SST के जो है जितने भी यू नो लेक्चर्स हैं इसमें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चैप्टर वाइज सारी चीज़ें यू नो सीरियल वाइज लगाई गई हैं, बट कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, तो जस्ट इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ 10th NIS सोशल साइंस 2013 फुल सिलेबस बाय पाई स्टडी सर्कल। अगर आप लिख देते हो यूट्यूब पर तो सारी वीडियोज़ आपकी खुल करके आ जाएंगी। ये रहे जैसे कि प्राचीन विश्व है, ये लेक्चर्स आसिफ सर द्वारा जो है शूट किए गए थे, तो आप देख सकते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंट यू नो क्वेश्चन चैप्टर वाइज की सीरीज़ जो है शुरू की थी। इसके अलावा फिर अभी एग्जाम टाइम पर हमने, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे, तो जितना भी आपके मॉड्यूल 4 होते हैं SST में, वो 4 वीडियो शूट की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको ना वो टॉपिक्स बताए गए हैं, वो लिमिटेड टॉपिक्स बताए गए हैं जहाँ से यू नो आपका पेपर बनता ही बनता है। सो गाइस चलिए अब दिखा देती हूँ आपको, और भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है। वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर ये वाली भी आपको थोड़ी सी हेल्प हो रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज ये रहा हमारा यू नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 10th NIS वाले बच्चों के लिए, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के 10th और 12th दोनों क्लास के हम यू नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं। तो इस प्लेलिस्ट पर जाकर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करके देखोगे तो ये रहा कि भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 10th एंड 12th NIS। इस प्लेलिस्ट को ऐसे मैं भी थोड़ा अलग करने वाली हूँ, 10th का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो अलग करूँगी और 12th के अलग। तो आप देख सकते हैं ये रहे, ये 10th के कुछ क्वेश्चंस हैं हिंदी के, SST के, हिंदी के काव्यांश, फिर साइंस के, फिर 12th पेंटिंग के, 12th इंग्लिश के। ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और प्लेलिस्ट हैं जो मैं आपको के साथ यू नो शो करना चाहती हूँ। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं बनी हुई, मतलब कोशिश करते हैं कि हम काम करें। ये रहा देखिए एक बार फिर से जो है दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 12th NIS ऑल सब्जेक्ट सॉल्व पेपर है हमारे, उसके बाद 12th NIS प्रैक्टिकल फाइल है। अच्छा बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम 12th के आप बनाते रहते हो, इसका ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे 10th वाले बच्चों के लिए वो बहुत कुछ है, अभी नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रहा 12th NIS के सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये रहा ये मैथ वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नंबर सिस्टम 10th क्लास मैथ बाय शाहरुख सर बड़ा मेहनत से लगे रहते हैं अपना करवाने में, और बच्चों को पसंद भी आ रहा है उनका काम। ये रहा आपका 10th NIS सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये प्लेलिस्ट है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से मैं क्लिक करके दिखाती हूँ आपको सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर। आपको होम साइंस का पेपर कैसा आएगा जी, इंडियन कल्चर का पेपर कैसा आएगा, पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा, और साइंस टेक्नोलॉजी का पेपर कैसा आएगा, डाटा एंट्री, साइकोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपकी, काफ़ी सारे जो है डाउट्स यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिएगा इस इंग्लिश का TMA, 10th के TMA, 12th के TMA सेशन 2021 वाले बच्चों के लिए, और आपका 12th NIS होम साइंस का भी फुल सिलेबस यहाँ पर हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब कर रहे हैं अभी, ऐसा भी नहीं पूरा हो गया है, जितना रह रहा है उस पर डे टू डे हम लोग काम करते रहते हैं। प्रैक्टिकल भी स्टार्ट किया है हमने सॉल्व कराने। इधर हमारा ज्योग्राफी है 12th NIS वाले बच्चों का, तो ये प्लेलिस्ट भी है, इस पर भी आप जो है चेक कर सकते हैं। हिंदी का फुल सिलेबस भी कोशिश जारी है कि पूरा जल्दी से करा दें। और बात करूँ मैं हिंदी की गाइस, तो इस पर मुझे आप लोगों का ना बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला, थैंक यू सो मच। हिंदी का पेपर कैसा आएगा, इतने अच्छे अच्छे और इतने प्यारे प्यारे आप लोग के कॉमेंट्स आते हैं कि समझ में आ गया, थैंक यू मैम, ये है वो है, तो मज़ा आ जाता है पढ़ के, मतलब मोटिवेशन मिल जाता है। महत्वपूर्ण काव्यांश है और हिंदी गद्यांश कैसे सॉल्व करें, तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिंदी में भी हम वो करवा रहे हैं 12th वाले बच्चों की। चलिए नीचे बढ़ लेते हैं और दिखा देती हूँ आपको मैं कुछ चीजें। हिस्ट्री का आपका सिलेबस हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं
टेंथ की बात करूं तो SST आपका ये रहा, पेंटिंग के चैप्टर चल रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। पेंटिंग की बात करूं जो चैप्टर रह रहे हैं जल्दी उन पर काम होगा, अभी बहुत सारे प्लानिंग्स हैं चैनल को लेकर आप लोगों के लिए, जो आप लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं, ये करवाओ मैम, ये करवाओ सर, तो अभी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं हमारी, धीरे धीरे वो ओपन होंगी, कोशिश जारी है पूरी, मतलब आपका बस सपोर्ट चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए कम से कम, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियोज़ को। तो अभी ये भी है CBSE का, इसके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मैं बात करी NIS वाले बच्चों से। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये रही प्लेलिस्ट, और हाँ एक चीज़ और है, ये मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लेन लेटर है, फॉर्मेट विद सोल्व एग्जांपल, काफ़ी अच्छे से कंप्लेन लेटर इसमें आपको समझाया गया है ना, ये इंग्लिश में डेली रूटीन कैसे बताना है अपना, बेसिक इंग्लिश, तो ये इंग्लिश की वीडियो भी है, आप ये तो सबके लिए ही होती है, NIS हो CBSE कोई सा भी बोर्ड हो। अच्छा अब मैं उस प्लेलिस्ट की बात कर रही हूँ जो बहुत ही आपके लिए जो है अमेजिंग होती है, जिसमें देख सकते हो आप NIS इन्फॉर्मेशन ओपन एडमिशन, मतलब इसके नाम से NIS इन्फॉर्मेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है ना, ये तो बस ये समझो कि जो भी आपके दिमाग में डाउट होते हैं इस बोर्ड को लेकर सब इस प्लेलिस्ट के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो देखिए सबसे पहली जो वीडियो हमने डाली थी काफ़ी टाइम पहले कि भी NIS एडमिशन कब कैसे लें, इसकी वैल्यू क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अप्रैल की एग्जाम फीस, इस पर ज़बरदस्त आप लोगों का रिस्पॉन्स, सबसे बड़ा रिस्पॉन्स इस पर देखने को मिला था, फिर TMA कैसे जमा करें, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, तो NIS ओपन वाले के जो है एग्ज़ाम फीस सबमिट नहीं हो रही है क्या करें, तो ये जो प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, ये जितने जितने भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, हॉल टिकट कैसे खुद डाउनलोड करें थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई करें, किताबें नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये लगभग बहुत सारी वीडियोज़ हम यहाँ पर डालते हैं, ये रही आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, तो चीज़ें हैं काफ़ी हर एक टॉपिक से लेकर रिलेटेड NIS बोर्ड की, अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, NIS में यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है, NIS में TMA की फ़ीस सबमिट करनी है या नहीं करनी है, कौन कौन से बच्चों को एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करनी है, एग्ज़ाम फ़ीस कब जमा होगी, कितनी जमा होगी, है ना, तो ये सारी टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियोज़ हैं आपके लिए, कि एग्ज़ाम फ़ीस के नाम पर बच्चों को ठगा जा रहा है, जानिए आपको कितनी फ़ीस देनी है, TMA के मार्क्स कैसे अपडेट होते हैं, और TMA के मार्क्स कौन देता है, ये ऐसे करके ये बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी, मतलब प्लेलिस्ट का बहुत सारी इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस बनी हुई हैं, TMA के सभी सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री में आपको TMA मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे वो चीज़ें बताई गई हैं वीडियोस फॉर्म में, आपको जो है किस तरीके से TMA मिलते हैं, प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होता है, तो ये रहा आखिरी 7 दिनों में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 7 दिन बचे हैं पेपरों के लिए, तो 7 डेज़ में आप अपनी प्रिपरेशन NIS वाले बच्चे किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए ये रहा बहुत सारी इस तरीके से वीडियोस हैं, तो इस प्लेलिस्ट को एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर देखना, आपकी बहुत सारी यू नो जो परेशानियां होती हैं वो तो खुद ही सॉल्व हो जानी है इस प्लेलिस्ट को देख के। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं जानना चाहूँगी कि ये थोड़ी सी अजीब सी या फिर एक डिफरेंट सी वीडियो जो मैं लेकर के आई हूँ इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब बात करूँ एक और प्लेलिस्ट की जो जिसकी मालकिन एक तरीके से मैं खुद ही हूँ, मतलब स्नेक बाइट और बहादुर जो ये है हमारे हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ, तो देखिए ये प्लेलिस्ट है इंग्लिश 10th NIS वाले बच्चों से बात कर रही हूँ फिलहाल मैं, कि ओपन वाले जो इंग्लिश का सिलेबस है इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको पूरा सिलेबस, और यहाँ पर हिंदी का पूरा सिलेबस मैंने करवा रखा है, तो हिंदी का तो बिल्कुल ही कंप्लीट है, इंग्लिश में कुछ चैप्टर सभी रह रहे हैं, तो देखिए ये रहे आपके स्नेक बाइट, और ये इन वीडियोस पर मुझे ज़बरदस्त आप लोगों का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, यहाँ सभी वीडियोस के थ्रू मैंने नोट्स बनवाए हैं एक एक चैप्टर करके सीरियल वाइज इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा, थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए इस वीडियो के ऊपर। फिर ये रहा नोट्स के थ्रू मैंने आपको पूरे के पूरे चैप्टर समझाए हैं, मैसेज कैसे लिखना है, अच्छा राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, मैसेज खुद कैसे सॉल्व करें, रिपोर्ट कैसे बनाएं, लेटर कैसे लिखें NIS वाले बच्चे, एडिटर लेटर, सिचुएशन राइटिंग, पोएट्री स्टैंजा, शॉर्ट पैराग्राफ, इन पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, अनसीन पैसेज सॉल्व करने का तरीका, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे करें और कम टाइम में पेपर को कैसे कंप्लीट करें, ये सभी टॉपिक से लेकर रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी हैं। चलिए फिर मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, फिर आपका जो है गाइस ये है फिर आपका हाँ जी आ गया हिंदी वाला, ठीक है 10th NIS वाले बच्चों का हिंदी का पूरा सिलेबस, बहादुर चैप्टर बहुत मेरे दिल के करीब है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका देखने को मिला, अगर आप YouTube पर कहीं भी सर्च करते हैं कि 10th NIS या फिर 10th बहादुर के नाम से कहानी, तो सबसे ऊपर आई थिंक मेरी ही वीडियो खुल के आती है, मैं तो जब भी सर्च करती हूँ, सो 10th NIS बहादुर अगर आप लिखते हैं तो आपको ऊपर ही ये वीडियो मिल जाएगी, इसका थोड़ा अजीब सा है पुराना सा मतलब थंबनेल है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा दो है गिल्लू लहसुन जितने भी रॉबर्ट नर्सिंग होम में आपने, हो सकता है कभी आपको पता ना हो, देखी हो ये वीडियोज़ थंबनेल देखकर आपको याद आ जाए कि हाँ अरे ये वीडियो तो मैंने देखी है, किस किस ने ये वीडियोस देखी हुई हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किस किस की हेल्प हुई है। यहाँ पर देखिए ये जो है सारा का सिलेबस मेरा यहाँ हिंदी का कंप्लीट हो गया था, देन अगेन मैंने फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू नो बहुविकल्पीयति लघु लघु दीर्घ ये सब स्टार्ट किए। ये रहा चैप्टर 2,
पत्र कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। पूरा सिलेबस है हिंदी का, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये हिंदी का भी हमने 10th NS वाले बच्चों का करा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। ये हमारा जो है 12th वाले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, यहाँ पर भी सिलेबस आपका चल रहा है, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने लगभग जो NIS वाले बच्चे थे, फिलहाल मैं उनसे बात कर रही थी, तो उनका लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें, हमने हमारी पूरी टीम मेहनत से लगी रहती है आपके लिए, खाली मैं ही नहीं, हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं जो दिखते नहीं हैं, बहुत से लोग यू नो पीछे रहते हैं कैमरा के, तो वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करना ना भूलें, इसके अलावा वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी जो है एक मोटिवेशन मिल सके काम करने के लिए, हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। इसके अलावा देखिए, प्लेलिस्ट मैंने आपको सारी शो कर दी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आपको अपनी कम्युनिटी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैं डे टू डे ये रहा पोस्ट करती, मतलब रहती हूँ कुछ ना कुछ, आप देख सकते हैं कम्युनिटी पर। तो ये हमारे जो बैच के स्टूडेंट थे, यू नो जो हमारे यहाँ कंप्यूटर के बैच चलते हैं, उनके स्टूडेंट ने कुछ प्यारी प्यारी सी मतलब बनाई थी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ बच्चों ने इस पर लाइक भी किया था। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे TMA के सोल्यूशन है। यहाँ पर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई इस नंबर पर अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो TMA के सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुए मिल जाएंगे। नंबर यहाँ स्क्रीन पर गिवन है, और ये कम्युनिटी पर जाकर अगर आप चेक करेंगे ना, सो गाइस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले सब्जेक्ट हैं, ये हिंदी मीडियम वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये 12th वालों का था, तो ये वाले सब्जेक्ट TMA अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर ये चार्जेबल है, इनका आपको थोड़ा सा एक चार्ज या अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। वैसे वीडियो के थ्रू भी आप बना सकते हो, वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इस तरीके से गाइज, यहाँ पर ये हमारी जो है कम्युनिटी थी, मतलब ठीक है वीवी। चलिए, ये हो सकता है आपने कहीं फ़ोटो देखा हो, बस ऐसी मैंने मज़े में इसको कर दिया था अपलोड, है ना। ये सर हैं हमारे। चलिए गाइज, पढ़ लेते हैं, फिर से आ जाती हूँ अपने होम पेज पर। तो पाई स्टडी सर्कल गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए, थैंक, मतलब यही बोलना था कि प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, पूरी टीम हमारी लगी रहती है, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए गाइस, आई होप वीडियो आपको ये भी ठीक ठाक की लगी होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। गुड बाय।